हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप एक CP प्लस का न्यू IP कैमरा है उसको इंस्टॉलाइज कैसे कर सकते हो, कैसे इसके अंदर आप पासवर्ड लगा सकते हो जिससे आप NVR के अंदर कनेक्ट करो और पासवर्ड एंटर करके इस कैमरे को रन कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम टोटल जानकारी देने वाले हैं इस कैमरे के बारे के अंदर, कैसे इसको इंस्टॉलाइज करना है, कैसे इसके पासवर्ड आपको क्रिएट करने हैं, क्या कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा CP प्लस का गार्ड प्लस कैमरा है। सिंपली आप देख पा रहे हो, जैसे अगर आप मैं आपको दिखाना चाहूं तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ खास दिखाई देगा नहीं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बताते हैं यहाँ पे CP प्लस का जो हमारा कैमरा है 2MP नेटवर्क गार्ड प्लस कैमरा, ठीक है, बुलेट कैमरा। ठीक है, अब इस कैमरे को आपको कैसे इंस्टॉलाइज करना है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की मदद जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है IP फाउंडर, जो हक के आता है हमारा CP प्लस की तरफ से, लेकिन आपको उसको डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पे आप आगे बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सिंपली आपको करना क्या होगा कि आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर के अंदर। क्रोम ब्राउजर के अंदर जाने के बाद सिंपली नॉर्मल आपको सर्च करना होगा CP प्लस IP फाउंडर। जैसे आपको सर्च करना है CP प्लस IP फाउंडर या फिर CP IP फाउंडर, नॉर्मली सॉफ्टवेयर को आपको क्लिक करके सिंपली सर्च कर देना है। आपको सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसी पे आपको क्लिक कर देना, क्योंकि ऑफिशियल CP प्लस की वेबसाइट है। अगर आपको फर्स्ट में वेबसाइट नहीं दिखती है तो दाएं बाएं आपको ऊपर नीचे जैसे भी देखना है देख सकते हो। ठीक है, लेकिन CP प्लस की जो ओरिजिनल साइट होनी चाहिए, सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल अप करना होगा और यहाँ पे आप देख पाओगे CP प्लस IP फाउंडर जो इंग्लिश वर्जन है विंडोज का। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा ऑलरेडी डाउनलोड भी हो चुका है। ठीक है, मैं इनको सभी को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन की। तो यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर रखा है। सिंपली इसको करना कैसे है, तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में चलते हैं आपका, और यहाँ पे इसको आपको डाउनलोड किया है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट किससे कर सकते हो, WinRAR से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे WinRAR पे जाके एक्सट्रैक्ट टू कर देना, जिससे आपका एक फोल्डर बन जाएगा। और इसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करने के बाद ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ से करता है नेक्स्ट, और यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करके सिंपली नॉर्मली नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब मैंने क्लिक कर दिया तो थोड़ी देर के अंदर वापस से हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ से हम फिनिश कर देंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक है, हमारा IP फाउंडर यहाँ पे दिखा रहा है, वैसे हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सिंपली आपको करना क्या होगा, एक नेट केबल आपके कंप्यूटर से लगा देनी है, कंप्यूटर के पीछे पोर्ट है उसके अंदर लगा देनी है, और दूसरी जो केबल है वो आपको लगा देनी है Cat6 पोर्ट के यहाँ पे लगा देना, और एक देनी है इसको पावर अडेप्टर से, आप इसको पावर दे देना यहाँ से। हमने सारा काम प्रोसेस कर दिया, लेकिन आप एक चीज से कंफ्यूज होंगे कि मेरे सिस्टम के अंदर नेट भी चल रहा है और यहाँ पे मैंने नेट केबल लगा दी, इसके बीच में मैंने एक POE स्विच का यूज किया है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, अब आपका सारा काम हो चुका है। अब सिंपली इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं और यहाँ से यस कर देंगे और हमारी एप्लीकेशन है वो थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, हमारा जो कैमरा है यहाँ पे इंस्टॉलाइज है, यानी कि अनइंस्टॉलाइज है। इसको इंस्टॉलाइज कैसे करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है, जो कैमरे को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इंस्टॉलाइज पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद वापस से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस कैमरे को और यहाँ से इंस्टॉलाइज करना है। और यहाँ पे जो यूजर नेम है इसको आपको एडमिन रहने देना, आप चेंज भी नहीं कर सकते वैसे बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है, आपको कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, उसको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने पासवर्ड है वो एंटर कर दी है, हमारे सिक्योर पासवर्ड है, आपको देखना होगा आपको सिक्योर पासवर्ड डालने होंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद योर पासवर्ड हैज बीन नॉट मैच। ठीक है, आपको मिसमैच नहीं होने देना पासवर्ड, तो मैं वापस से डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिए, सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ईमेल आईडी है बोल रहा है, तो सिंपली यहाँ पे ओके कर देना। यहाँ पे कोई भी आपकी ईमेल आईडी है जो रिसेट के वक्त काम आएगी, या फिर आप मैन्युअली आप इसे रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ईमेल आईडी है वो डाल दी है, अब यहाँ से सिंपली आपको खाली नेक्स्ट करना होगा, और नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट सभी पे रहने देना, यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर देना है। और यहाँ पे आपका देख पा रहे ग्रीन टिक का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये कैमरा है वो इंस्टॉलाइज हो चुका है, आपके पासवर्ड इसमें सेट हो चुके हैं, यहाँ से आपको फिनिश कर देना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका कैमरा है वो इंस्टॉलाइज तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो भी आपका कैमरा यहाँ पे इंस्टॉलाइज हो जाएगा। अब इस चीज को आपको चेक करने के लिए आपका एक्चुअल जो कैमरा है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको क्या करना होगा कि आपको चले जाना है यहाँ पे डिवाइस पे। डिवाइस पे जाने के बाद यहाँ प्लस के साइन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इस कैमरे के है IP है वो दिखा देगा, इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो यूजर है वो डाल देना है। तो यहाँ पे हमने यूजर डाल दे, यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपने पासवर्ड भी डाल दे, सिंपली यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा और यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इमेज पे जाएंगे तो हमारा जो कैमरा है वो चालू हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो कुछ इस प्रकार का हमारा कैमरा है वो चालू हो चुका है। यहाँ पे इस प्रकार से आप वेरीफाई कर सकते हैं आपके पासवर्ड है वो सही से लगे हैं या नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजमेंट कलर सेटिंग वगैरह आप करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट जो मैनेजमेंट है जो भी आप टाइम डेट का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हमने सिंपली नॉर्मली आपको सिखाया है कि आपको कैसे इस कैमरे को इंस्टॉलाइज करना है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी से आते हैं तो अनइंस्टॉलाइज आते हैं, तो आपको इनको इंस्टॉलाइज करना पड़ता है, इसके अंदर पासवर्ड मैन्युअली एंटर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।